everyone, my name is Nas and I welcome to you in my channel Nas Warshala. So, today I am going to talk about CBSE term 1 and term 2 wise syllabus for 2021 and 22, which is uploaded by the CBSE today itself. That is called the rationalized syllabus. So, what they have changed in the syllabus? So, term 1 and term 2 wise. क्या चैप्टर डिलीटेड किए हैं या क्या चैप्टर जो है रखे हैं आपके टर्म वन में कितना कोर्स आएगा टर्म टू में कितना कोर्स आएगा आपका सिलेबस वाइज सो आज हम इस वीडियो में देखते हैं जो सी बी एस ई ने आज ही अपलोड किया है रैसनलाइज सिलेबस टर्म वन एंड टर्म टू वाइज सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सर जस्ट लेट्स स्टार्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सो क्लास नाइन का जो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू का जो टर्म वाइज सिलेबस जो आया है आज सी बी एस ई का देखते हैं आखिर उसमें क्या एड हुआ है या क्या डिलीटेड हुआ है टर्म वाइज सिलेबस सो लेट स्टार्ट टर्म वन रीडिंग सेक्शन टूशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंगइ्स ऑफ अनसिन पेसेज टू एसेज इंटरप्रेशन evaluation vocabulary analysis and interpretation discursive passages case based factual passages with visual input data chart etc 200 to 250 words so reading section mein aapke jo hai discursive or case based jo hai पैसेज आएंगे आपके जिसमें से आपके जो है दो पैसेज आएंगे और आपको reading section में जो हमेशा आप करते आए हैं पेसेज दो आपके जो है पेसेज करना है रीडिंग सेक्शन में राइटिंग सेक्शन सो राइटिंग सेक्शन में आपके डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पर्सन वाइज और सेकेंड राइटिंग स्किल में है आपके शॉर्ट स्टोरी जो बेस्ड रहेगी बेस्ड ऑन बिगनिंग लाइंस आउटलाइंस लाइन्स क्ल्यूज एक्सेट्रा सो राइटिंग स्किल्स में आपके पैराग्राफ और शॉर्ट स्टोरी रहेगी ग्रामर सेक्शन टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड मॉडल्स डिटर्मिनर्स रिपोर्टेड स्पीच कमांड्स एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट्स एंड क्यूशंस सो आपके ग्रामर सेक्शन में जो है ओवरऑल एट चैप्टर रहेंगे आपके इसमें से जो टर्म फर्स्ट में से जो डिलीटेड किए गए हैं ग्रामर सेक्शन में अगर आपने नोटिस किया हो सो so वो है एक्टिवपेसिव क्लोजेस और प्रिपोजिशंस सो थ्री चैप्टर आपके डिलीटेड किए गए हैं टर्म फर्स्ट ग्रामर सेक्शन में से ओके सो नाउ लिटरेचर सेक्शन क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट टू एसेस इंटरप्रिटेशन इन इन्फ्रेंस एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट सो आपके लिटरेचर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एक्सट्रैक्ट्स बेस्ड रहेंगे जैसा आप आज तक देते हुए आए हैं अगर आपने देखा हो कोई भी जो है आपकी लाइन उठा के दे दी या कोई पैराग्राफ उठा के दे दिया और उससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे सो so, इसमें आपके जो है चैप्टर रहेंगे मोमेंट्स में से द लॉस चाइल्ड द एडवेंचर ऑफ टोटो इन द किंगडम ऑफ फूल्स द हैप्पी प्रिंस एंड बीहाइव से रहेगा आपका प्रो सेक्शन से द फन दे हैड द साउंड ऑफ म्यूजिक द लिटिल गर्ल the truly beautiful mind my childhood and from the prose section poem section mein se aapka chapter rahega the road not taken wind rain of the roof a of the northland so, इसमें से आपके जो literature section में से जो चैप्टर रहेंगे वो overall इस हिसाब से है Now टर्म second. अगर आपने नोटिस किया हो कि ग्रामर सेक्शन से जो है आपके चैप्टर डिलीटेड हुए हैं फिलहाल थ्री और अब बुक में से देखते हैं हम बिहाइव और मोमेंट्स में से कौन कौन से चैप्टर जो है डिलीटेड हुए हैं सो so उससे पहले हम देखते हैं टर्म सेकेंड रीडिंग सेक्शन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू एसेज इंटरफ्रेंस इवेलुएशन वकाबलरी एनालस एंड इंटरप्रिटेशन सो रीडिंग सेक्शन में आपके डिस्कर्सिव पेसेज और केस पेस जो है फैक्चुअल पेसेज आएंगे जिसमें कोई भी आपको डाटा चार्ट या विजुअल इनपुट दे दिया जाएगा जो टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी वर्ड्स के होंगे ओके सो टर्म सेकेंड में आपका रीडिंग सेक्शन में से आपके पैसेज आएंगे दो और इसका जो है वेटेज क्या रहेगा वो हम देखेंगे लास्ट में क्या मार्किंग दी गई है किस हिसाब से राइटिंग स्किल्स सो राइटिंग स्किल्स में जो है दे रखा है आपके डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रप्टिव पैराग्राफ जिसमें डायरी एक आपकी आएगी राइटिंग स्किल्स में डायरी एंड शॉर्ट राइटिंग जो स्टोरी है आपकी वो है स्टोरी राइटिंग बेस्ट ऑन बिगनिंग लाइंस आउटलाइंस लाइन्स क्ल्यूज एंड एक्सेट्रा सो यहाँ पर आपके राइटिंग स्किल्स में जो है डायरी और स्टोरी राइटिंग आएगी सो so अगर आपने नोटिस किया हो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में आपके ओवरऑल जो है रीडिंग सेक्शन एज यूजुअल है लेकिन राइटिंग स्किल्स में आपके थोड़ा बहुत चेंजेस है एंड ग्रामर सेक्शन टेंसेज सब्जेक्ट वुकेबलरी जो है आपके सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड दैट्स मीन एग्रीमेंट ऑल्सो मॉडल्स डिटर्मिनर्स रिपोर्टेड स्पीच कमांड्स एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट्स क्यूशंस सो so, आपके यहाँ पर जो है टर्म सेकेंड में भी वो चैप्टर डिलीटेड किए गए हैं जो टर्म फर्स्ट में से हटाए हैं जो कि आपके थ्री चैप्टर्स हैं पेसी वॉइस क्लोजेज एंड प्रिपोजिशंस सो so, आपकी टर्म सेकेंड में भी ये चैप्टर जो है एड नहीं किए गए हैं दैट्स मीन आपके ग्रामर सेक्शन से ओवरऑल थ्री चैप्टर को जो है ओमिट किया गया है नाउ टेक द लिटरेचर सेक्शन Questions based on extracts, text on essays, interpretation, inference, extrapolation, beyond the text and across the text. So, here in the literature section, which is in 2nd, chapter is Weathering the storm in air The last leaf. A house is not a home. The beggar. in from the beehive section from the post section packing reach for the top the bond of love if i were you and from the poem section no main are foreign on killing a tree the snake trying so, आपके टर्म सेकंड में जो है मोमेंट्स और बिहाइव में से प्रोज एंड प्रोम सेक्शन से जो चैप्टर लिए हैं ठीक है सो so, अब यहाँ पर जो है मैं आपको ईस्ट टर्म बताऊं कि वेटेज किस हिसाब से आप लोगों का रहेगा टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के लिए उससे पहले अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं आपको बता दूँ आपके जो बिहाइव जो है बुक है उसमें से आपके कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड किए गए हैं वो बता दूं मैं आपको सो so, आपका यहाँ पर है लेक ऑफ आइसिल ऑफ इनस्फ्री नेक्स्ट चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कंगारू, नेक्स्ट काठमांडू नेक्स्ट चैप्टर इस्लम्बर डिड माय स्प्रिट सील सो ओवरऑल बिहाइव में से आपके फाइव चैप्टर डिलीटेड किए गए हैं सीबीएसई के थ्रू और बाकी जितना भी सिलेबस बचा है आपका इन फाइव चैप्टर्स को छोड़कर वो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में डिवाइडेड किया गया है अकॉर्डिंग टू हाफ ओके सो वंस मोर टाइम आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू अबाउट योर डिलीटेड चैप्टर्स फ्रॉम द बिहाइव बुक द लेक आइसिल ऑफ एनस्ट्री द स्नैक एंड द मीर द डक एंड द कंगारू काठमांडू स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सेल्स ओके सो बिहाइव चैप्टर में से ओवरऑल फाइव चैप्टर्स डिलीटेड किए गए हैं और मोमेंट्स चैप्टर में से आपके सिर्फ दो ही चैप्टर डिलीटेड किए गए हैं दैट इज ईश्वरन द स्टोरी टेलर नेक्स्ट चैप्टर द एक्सीडेंटल टूरिस्ट सो ये दो चैप्टर आपके मोमेंट्स में से डिलीटेड किए गए हैं एंड फ्रॉम द ग्रामर सेक्शन देर आर थ्री चैप्टर्स डिलीटेड फर्स्ट पेसी वॉइस सेकेंड क्लोजेज एंड थर्ड प्रिपोजिशंस सो so, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ फाइव टू सेवन सेवन थ्री टेन सो ओवरऑल टेन चैप्टर जो है आपकी क्लास से जो है सब्जेक्ट से कोर्स से डिलीटेड किए गए हैं उसके अलावा जितना भी सिलेबस आपका बचा है स्पेशली राइटिंग स्किल्स देख लीजिए उसमें जो आपके जो है ओवरऑल डिवाइड किया गया है ओके सो टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड क्या वेटेज रहेगा रीडिंग सेक्शन आपका टेन मार्क्स का रहेगा एंड राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन ऑल्सो आपका जो है टेन मार्क्स का रहेगा एंड लिटरेचर सेक्शन ट्वेंटी मार्क्स का रहेगा सो ओवरऑल फोर्टी मार्क्स का आपका वेटेज रहेगा मार्क्स के अकॉर्डिंग दैट मीन टर्म फर्स्ट फोर्टी टर्म सेकेंड फोर्टी का पेपर रहेगा एंड इंटरनल असमेंट टेन मार्क्स का रहेगा टर्म फर्स्ट में भी टर्म सेकेंड में भी ओके सो ओवरऑल कितना मार्क्स हो गया फिफ्टी प्लस फिफ्टी इजिकल टू हंड्रेड सो हंड्रेड का ही आपका पेपर होता है सो आई होप सो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा जो सीबीएसई ने आज ही टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के वाइज आपका सिलेबस जो है डिक्लेयर किया है सो so अगर आपको कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स या जो भी डिलीटेड चैप्टर्स वगैरह हैं तो आप मुझे राइट इन बॉक्स में लिख सकते हैं डेफिनेटली आई विल गिव द आंसर ऑफ दैट And I hope so, your doubt is clear now. Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment, and subscribe my channel. Naspar shalam. Thank you, take care, and be safe at your home.